अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फिर से एक बार आपका स्वागत है एस नीलोफर की रसोई में। तो आज की रेसिपी हमने बनाई है एक ड्राई मंचूरियन और ग्रेवी वाला मंचूरियन, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले कैबेज को बारीक कद्दूकस कर लिया है। कोबू को अच्छे से मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था एक कटोरा, तो मैंने हाफ कोबू लिया है। तो उसमें हम पहले लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जो बेडगी मिर्ची पाउडर होती है ना, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, वो 2 चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि वो उसका कलर अच्छा आता है और फूड कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाफ टी स्पून मैंने मिर्ची पाउडर इसमें ऐड किए हूँ तीखे के लिए। तेज़ क्रिस्पी मंचूरियन बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इसे चाइनीज़ पकौड़ा भी कहा जाता है। थोड़ा सा हाफ टी स्पून भी नहीं, 1 पिंच गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है सिर्फ टेस्ट के लिए। तो मैंने आधी कटोरी मैदा इसमें डाला है और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स किया है। आप दोनों को एक एक कटोरी भी डाल सकते हो, ज़्यादा बना रहे हो कम बना रहे हो उस हिसाब से। मैंने आधी कटोरी मैदा 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है इसमें। अब थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से, उसे अपने हाथों से उसे मिक्स कर लीजिए। देखिए मैंने थोड़ा सा एक शो आने के लिए उसमें बारीक कटे हुआ हरा धनिया डाल दिया है इसमें, एकदम थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा भी नहीं डाला है। अब हाथों से ही रफ करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे, वैसे वैसे उसमें से पानी छूटने लगेगा कोबू में से हमारे, तो हमारा कैबेज जैसे जैसे पानी छोड़ेगा वैसे वैसे सब सब मैदा कॉर्नफ्लोर मिक्स होते जाएंगे, मसाले वगैरह सब। देखिए बिल्कुल भी पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही इसे जितना आप रफ करोगे उतना ये गीला गीला होता रहेगा। तो एक अच्छा सा डो के जैसा है पूरा मिक्स कर लीजिए, ताकि हमारे मसाले सॉल्ट वगैरह जो भी है सब तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाए, किधर कम ज़्यादा ना हो। इसलिए बहुत बार अच्छे से इसकी मालिश की करिए, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए मैंने ऐसे अच्छे से मालिश कर ली हूँ, अच्छे से एकदम ऊपर नीचे दबाते हुए कर ली हूँ। जितना मैं इसे दबा रही हूँ उतना उसमें पानी छूट रहा है। देखिए एक बना के देखिए कि बन रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा गीला गीला लगे तो फिर आप कॉर्नफ्लोर या मैदा इसमें ऐड कर सकते हो ऊपर से, और मालिश कर लीजिए। अब मेरा बराबर है, ठीक है, बन भी रहा है। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। देखिए कैसे बढ़िया हो गया है, बिना ऑयल बिना किसी चीज़ के पानी के। तो तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, एक बार चेक कर लेंगे थोड़ा सा उसमें डाल के। तो तेल हमारा थोड़ा सा ठंडा ही है, तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। बाद में हमें उसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें मंचूरियन बना के डालेंगे। तो मैं बना के नहीं रखी हूँ, डायरेक्ट इसमें हाथों से बनाकर आपको डाल कर बता रही हूँ। देखिए कौन से टाइप्स में मैं डालती हूँ। तो मैंने एक एक करके ऐसे बॉल के जैसे ऐसे भी बनाकर आप डाल सकते हो उसमें, हाथों से सिर्फ थोड़ा सा फिंगर से दबा कर डालना है, नहीं तो फिर आप एक साथ में बहुत
थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, फिर धीरे धीरे दो फिंगर की मदद से उसे थोड़ा 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 थोड़ा, शेप की ज़रूरत नहीं होती है मंचूरियन को, कैसे भी शेप आया तो भी बहुत ही बढ़िया दिखता है, क्योंकि चाइनीज़ पकौड़े का शेप ही अलग होता है। अब ऐसे मैंने डाली हो, देखो ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा है, दो से तीन एक साथ में बहुत फटाफट तेल में छोड़ दीजिए। तेल गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे कर लीजिए उसे। हाई फ्लेम पे रखोगे तो क्रिस्पी नहीं होंगे और वन साइड ही बहुत जल्दी लाल हो जाएंगी, तो हमें दोनों तरफ से कलर सेम चाहिए। और मीडियम फ्लेम पे ऊपर नीचे करते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए मंचूरियन को। तो मीडियम फ्लेम पे करने से क्रिस्पी और क्रंची बनता है, दम बढ़िया टेस्ट भी आता है। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने दीजिए, ज़्यादा भी मत हिलाइए ताकि वो टूट ना जाए। देखिए ऐसे बाद में वो अपने आप खुले हो जाते हैं, डालने के बाद हमें लगता है कि चिपक जाएंगे, बट वो चिपकते नहीं हैं, अपने आप तेल में खुले हो जाते हैं मंचूरियन। दोनों साइड से उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, कलर भी सेम आना चाहिए। बीच बीच में एक दो बार हिलाते रहिए। देखिए चाइनीज़ पकोड़ा भी इसे कहा जाता है, सभी को पसंद आती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। और इसी बहाने से कैबेज भी पेट में चला जाता है बच्चों के। ऐसे तो सब्जियां खाने से बहुत तो नखरे दिखाते हैं बच्चे, तो ऐसे ही कोई भी डिशेस बनाकर खिलानी पड़ती है। मुझे भी ऐसे ही बच्चों को कुछ भी अलग अलग बनाकर देना पड़ता है ताकि वो सब्जियां खा सके। ऐसे तो सब्जियां पसंद नहीं आती है ना, ये मंचूरियन ये वो सब बनाना पड़ता है। देखिए हमारे मंचूरियन तो रेडी हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। देख देख सकते हो कलर कितना बढ़िया आया है सभी तरफ से। एक बार और ठीक से फ्राई कर लीजिए और धीरे धीरे सब निकाल लीजिए। हमें इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, वरना वो काले पड़ जा सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई होने दिया है ताकि हमारा कैबेज भी कच्चा ना रहे और मंचूरियन भी एकदम अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। एकदम मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा हाई। तो अब हम इसे सब तेल इसका निकाल कर अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह कलर तो बहुत बढ़िया आया है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो इसी तरह बाकी सब मंचूरियन भी बनाकर इसमें डाल देंगे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था उसी टाइप में वो मंचूरियन इसमें डालूंगे, तो बहुत इजी तरीके से फटाफट डालने आएंगे। एक एक करके बहुत टाइम जाएगा, आप चाहो तो स्पून से भी डाल सकते हो, बट ये जो मैंने बताई हूँ तरीका वो ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, तो ऐसे ही कीजिए। इसी तरह से बाकी सब मंचूरियन को भी रेडी कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पे ही इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए ताकि हमारे मंचूरियन क्रिस्पी और क्रंची हो सके और दोनों साइड से अच्छा कलर आए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी रेसिपी देखिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज ला सकूं। प्लीज़। तो इसी तरह हमने सब डाल दिया है, अब इसे भी अच्छे से फ्राई होने के लिए रख दीजिए।
तो हमारे मंचूरियन रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया कलर आया है माशाल्लाह, और क्रिस्पी भी बहुत ही बढ़िया हो गए। तो अब हम ग्रेवी वाले मंचूरियन की तैयारी करते हैं। तो वही तेल मैंने उसमें का कम कर लिया था, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल मैंने रहने दिया है, बाकी सब निकाल लिया है। तो मैंने बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल दी है। तेल को गर्म होने दीजिए। बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से अभी चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा प्याज का कच्चापन दूर होने दीजिए। एकदम लाल हमें नहीं करनी है, सिर्फ कच्चापन दूर करना है। तो 1 से 2 बार इसे हिला लीजिए, थोड़ा सा प्याज को पकने दीजिए। प्याज नरम होने लग गई तो फिर हमें इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है। मैंने कुछ कलियां लहसुन के लंबे लंबे बारीक पतले काटे हुए थे, मैं उसमें वो ऐड करूँगी। पर पहले पैच को नरम होने दीजिए अच्छे से। देखिए मैंने इसे लंबे लंबे कट की हूँ तो मैंने वो डाल दी हूँ। पैच के साथ इसे भी भून लीजिए। अब इसे भी अच्छे से पकने दीजिए, कलर मत चेंज होने दीजिए। थोड़ा सा हो गया तो कोई बात नहीं, सिर्फ पकाने के लिए हमें चाहिए। हमें इसे लाल नहीं करना है एकदम से, वरना वो जल जा सकता है। देखिए हमारी प्याज अच्छे से पक रही है। लहसुन की भी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए धीरे धीरे कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है प्याज का। तो हम इसी तरह से बाकी सब भी मैं ऐड करेंगे। मैंने 1 मिर्ची के 4 टुकड़े किए थे लंबे लंबे स्लाइस में, तो मैंने वो डाल दी हूँ। तो आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो ग्रेवी में, जो भी सब्जी डाल सकते हो। मैंने इसमें प्याज की पत्ती भी ऐड की हूँ। प्याज की पत्ती का टेस्ट चाइनीज़ डिशेस में बहुत ही बढ़िया रहता है, ज़्यादातर यूज़ भी होता है ये प्याज की पत्ती चाइनीज़ में, चाइनीज़ के अलग अलग डिशेस में प्याज की पत्ती बहुत ही लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा ऐड की हूँ प्याज की पत्ती। और अब मीडियम फ्लेम कीजिए, और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर मैंने इसमें डाली हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड की हूँ खुशबू के लिए, और थोड़ा सा तेज़ तीखा ग्रेवी अच्छी लगती है इसलिए भी। अब इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे, और गैस को धीमा ही कर दीजिए ताकि हमारा मसाला जले ना। अब इसमें हम सॉसेस ऐड करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम इसमें सॉस डालेंगे। पहले रेड चिली सॉस 1 चम्मच मैंने डाला है। टमाटो सॉस 1 चम्मच डाला है। डार्क सोया सॉस आधा चम्मच। अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से ताकि सॉसेस हमारे नीचे लगे ना, जले ना। खुशबू माशाल्लाह बहुत बढ़िया आ रही है। मीडियम फ्लेम पे ही रखिए, हाई मत कीजिए। तो 1 चम्मच मैंने इसमें सेजवान चटनी जो मिलती है
दुकान पे स्टोर पे वो मैंने इसमें ऐड की हूँ। शेजवान चटनी मैं घर पे भी रेडी करती हूँ, बट मैंने अभी नहीं बनाई थी इसलिए दुकान वाली ही डाल दी है। 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, और उसे अच्छे से पका लेंगे। मिक्स कर लीजिए सभी सॉसेस को, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नीचे लगे ना, ताकि बीच बीच में चम्मच को हिलाते रहिए। तो मैंने एक बाउल में आधा ग्लास पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया था। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के उसकी ग्रेवी अच्छी होती है, तो मैंने वो मसालों में सब डाल दिया। अभी थोड़ा और पानी उसमें मिक्स करके मैंने इसमें डाला है। तो हिलाते हुए कॉर्नफ्लोर का पानी मिक्स करना है, वरना वो एक साथ में डाल दोगे हाई फ्लेम पे तो उसके गार्ड बन जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे रख के से चलाते रहिए। देखिए कितना जल्दी कॉर्नफ्लोर पानी सोख लेता है। देखिए, तो फिर इसमें आप थोड़ा और पानी ऐड कर दीजिए ताकि ग्रेवी पतली हो जाए, अच्छी हो जाए। देखिए अब ठीक है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है ग्रेवी का, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तेल छोड़ चुकी है ग्रेवी, बर्तन भी छोड़ रही है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके मंचूरियन ऐड करेंगे। तो पहले ग्रेवी को टेस्ट भी कीजिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके कि सॉल्ट तीखा सब बराबर है या नहीं। कुछ कम ज़्यादा होगा तो डाल दीजिए अभी। तो थोड़े से मंचूरियंस ऐड कर दीजिए उसमें, जितना आपको ग्रेवी में खाना है उस हिसाब से। तो मैंने इसमें डाल दी हूँ मंचूरियन, और अब उसे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे मसाले में मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं करना है। अब इसके बाद में आपने गैस को ऑफ भी कर दिया है तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी ग्रेवी तो पक चुकी है, मंचूरियन भी पका हुआ है। मिक्स कर लीजिए एक बार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दीजिए, और सर्व कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया रेसिपी हो चुकी है, एक ड्राई मंचूरियन। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही अच्छा लगता है स्नैक्स के तौर पर खाने के लिए, और फटाफट बन जाती है ये रेसिपी। जो घर में सामान है उसी से ही बन जाती है, सॉस के साथ, सेजवान चटनी के साथ, या ग्रीन चटनी के साथ आप खा सकते हो उसे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ग्रेवी वाली रेसिपी भी बहुत बढ़िया है, टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, इस मेहमानों को भी खिलाइए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, मेरे रेसिपीज़ को आगे बढ़ाइए। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।